हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि डीपी लाइट में जब इसको चार्ज लगा रहे हैं तो इसमें से स्पार्किंग की आवाज़ मिल रही है आपको, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है आपके बी डीपी लाइट में तो इसको कहाँ से सही करें, ठीक है। काफ़ी छोटा सा वीडियो होगा और ये प्रॉब्लम मैं पहले एक बार चेक कराता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि कहाँ से होता है। देखिए, एलईडी ब्लिंक कर रहा है और ऐसा लग रहा है कोई चीज़ इसका, कोई पार्ट इसका जल रहा है, ठीक है। और आवाज़ भी आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आवाज़ कर रहा है, बस स्मेल उतना नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले इसको खोल लीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको बैक पैनल हटाना है, पर देखिए सब चीज़ सही लग रहा है, ठीक है। हर चीज़ सही है, फिर भी आपको स्पार्किंग मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पीसीबी को पलट के भी देखना है कहीं कोई लूज तो नहीं है, ठीक है। और जनरली लूज होने पर ही ऐसा आवाज़ आता है, या फिर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है आपको 400 वोल्ट का, ठीक है, इसके ख़राब हो जाने के कारण ही ऐसी स्पार्किंग की आवाज़ आपको मिलती है, ठीक है। तो डीपी लाइट में मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम, एक नया प्रॉब्लम था मेरे पास, इसका कमेंट भी आया था, मैं इंतज़ार भी कर रहा था कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आए कि मैं डालूँ। देखिए, मैं जब यहाँ से हिला रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ हिल रहा है, ठीक है, उसका जो लेग है वो हिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको सप्लाई दे रहा था, आप गौर करेंगे, देखिए देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे करंट की स्पार्किंग हो रही है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, एक तार का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और उस तार के टुकड़े को, ठीक है, यहाँ से सोल्डिंग करके यहाँ तक दे देना है, या फिर आप यहीं पे स्क्रेच करके, ठीक है, यहीं पे स्क्रेच करके इसको और अच्छे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ स्क्रेच करके ना जोड़ें, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये हिलते हिलते यहाँ भी इस ट्रैक को भी उखाड़ कर तोड़ देगा। तो आप यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक गया, यहीं पे एक जम्पर लगा दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। और भी कोई लूज है कि नहीं उसको भी देख लेना, ठीक है। कोई भी कनेक्शन, अगर सप्लाई का कोई भी कनेक्शन लूज होगा तो आपको इस तरह की आवाज़ें मिलेंगी, या कैपेसिटर खराब हो तो आपको आवाज़ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, देखिए अभी कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल बॉल पूरे इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ इसका जो भी बेसिक प्रॉब्लम आता है, क्या होता है कि चार्ज होने के दौरान बॉल जलता है, और जब चार्ज से आप हटाते हैं तो आपका बॉल ऑफ हो जाता है, नहीं जलता है। तो उस कंडीशन में आपको बैटरी बदल देना है, ठीक है, बैटरी बदल देना है। और साथ ही बैटरी बदलने से पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ का और जांच कर लीजिए, ताकि आपको कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ट्रैक खराब हो जाने के कारण, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी स्क्रू ड्राइवर से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्पार्क आ रहा है, इसका मतलब सर्किट बिल्कुल सही है। अगर बैकअप ना दे रहा हो तो उसका बैटरी बदल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया कि अगर आप इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, स्विच ऑन ऑफ करने के बाद अगर आपका बॉल नहीं जल रहा है तो आपको क्या करना है, स्विच को चेक करने से इतना जल रहा है, चार्ज करने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, हल्का सा अभी जल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जल रहा है तो आपको क्या करना है, स्विच सबसे पहले चेक करना है, स्विच सही हो है तो उसके बाद आपको क्या करना है, दो को, ठीक है, दो ठो वायर यहाँ से घूमते हुए, ठीक है, इधर से घूमते हुए यहाँ तक आता है, उसमें हर मोड़ पे चेक करना है, किसी ना किसी मोड़ पे टूट जाने के कारण नहीं चलता है। तो बस बेसिक प्रॉब्लम इतना है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आता नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये कैपेसिटर जो है, ठीक है, ये डायोड कभी कभी खराब हो जाता है, आप चार ये सब नहीं मिलेगा आपको, 4060 डायोड मिलेगा, उसके बदले 4060 डायोड लगा दीजिए, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर वीडियो दे दूंगा, ठीक है। और रहा बात ये कभी कभी कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये कैपेसिटर क्या होता है, कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए इसमें डाला हुआ है 100 माइक्रोफैराड का और 25 वोल्ट का कैपेसिटर डाला हुआ है, इसी के आसपास का आपको डालना है। 25 वोल्ट नहीं मिलता है तो 35 वोल्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन इसी के आसपास, बहुत अगर ये भी नहीं मिलता तो 50 वोल्ट तक आप जा सकते हैं, वहाँ तक आप कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसमें हर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, या फिर कोई और प्रॉब्लम आपके मन में चल रहा है, तो आप उसके बारे में पूछें, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उस पर भी आपको एक वीडियो दे दूँ। वीडियो अच्छा हो जाएगा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह जरूरी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।